नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष, मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है, अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। पचम्बा के समीप कोडरमा मधुपुर रेल लाइन में बन खज्जो निवासी मोहम्मद तबारक का शव मिलने से मची सनसनी। ट्रेन से कटने से हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। गिरिडीह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक नगर भवन में हुई संपन्न। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी हुए बैठक में शामिल, विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। जिला अधिवक्ता संघ ने कार्यक्रम आयोजित कर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किया स्वागत। अन्नपूर्णा देवी ने अपने मत से संघ को दिया एक एम्बुलेंस, अधिवक्ता संघ ने जताया आभार। पचम्बा और बेंगाबाद से बदले गए थाना प्रभारी, पचम्बा में मुकेश दयाल सिंह तो बेंगाबाद में शशि सिंह बनाए गए नए थाना प्रभारी। दोनों प्रभारियों का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। और नहाए खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। पहले दिन व्रतियों ने किया नहाए खाए अनुष्ठान, व्रतियों के घरों में पहुंचे श्रद्धालु, ग्रहण किया प्रसाद। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा स्थित कोडरमा मधुपुर रेल लाइन में ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार रात एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। मृतक की पहचान पचम्बा थाने इलाके के बन खंजो निवासी तबारक अंसारी के रूप में की गई है। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोग शव को देखने के लिए पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के संबंध में मृतक तबारक के भाई मुबारक अंसारी ने बताया कि उसका भाई तबारक मजदूरी करता था। कोडरमा मधुपुर रेलवे लाइन में ट्रेन की चपेट में आने से उसके भाई की मौत हो जाने की सूचना आसपास के लोगों के द्वारा इसे मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा मोहम्मद मुबारक नाम। क्या हुआ है? कुछ ना सर, यहाँ हम जब लिफ्ट से भी आया सर काम करके, अभी तो एक बार खाना खा के उठा, उसके बाद हाथ आ गया सुनने के बाद पता चला कि ना वो जैसे हो तुम्हारा भाई बोल रहा वापस पार्टी पर बोल कर दिया। क्या नाम था आपके भाई का? तबारक, मोहम्मद तबारक। क्या करते थे? मजदूर करते। कितना उम्र होगा भाई? लगभग 50-55 साल होगा। कैसे हुआ हादसा? ट्रेन में कटिए कैसे कि हम तो डिप्टी से 8 बजे रात में भी आए, डिप्टी से करके भी आए, तब खाना खा के उठा रहे, कोई चीज़ पता चला। कहाँ के रहने वाले? बरखंजों का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबारक हुआ। मधुपुर कोडरमा जो पैसेंजर गाड़ी है वो भी लगभग 8:15 बजे जो रिटर्न जाती है। एक्चुअली में ये जो रेलवे पटरी है बनखंजो गांव एक घनी आबादी है उसके बीचों बीच क्रॉस किए। ये दुर्भाग्य की बात है कि लोगों का आवागमन के लिए बहुत किनारे हट के एक डाइवर्ट दिया हुआ है जहाँ से पॉसिबल नहीं होता है, बाध होकर के लोग लाइन पर क्रॉस करके ही इधर से उधर जाते हैं।
इसी क्रम में आज एक गांव के जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, जिनका नाम था तबारक अंसारी, आयु लगभग 50 वर्ष, ये क्रॉस करने के दरमियान रेल के चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर हम लोग सभी लोग आए हैं, प्रशासन को खबर किया, प्रशासन भी आई है। अब आगे का जो प्रशासन का प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर अहमद है, मैं यहाँ का वार्ड पार्षद हूँ। गिरिडीह जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की तीसरी बैठक शुक्रवार को नगर भवन में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया। इनके अलावा बैठक में राज्य शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू, जमा विधायक केदार हाजरा, भगोतर विधायक विनोद कुमार, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रत्येक योजनाओं की आधे अधूरे रिपोर्ट रहने के कारण केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भड़क उठी, जिसके बाद इस बैठक को बीच में ही विराम कर देना पड़ा। बैठक के दौरान जितने भी विभागों से संबंधित योजनाओं को रखा गया है वह पूरे नहीं थे, जिस पर शिक्षा राज्य मंत्री ने खेद प्रकट किए। इस बाबत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान नल जल योजना, PWD, प्रधानमंत्री सड़क योजना समेत जितने भी योजनाओं पर चर्चा किया गया वह सारे आधे अधूरे से थे, जिसके कारण बैठक को बीच में ही रोक देना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उपायुक्त को खास निर्देश दिया गया कि पहले सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद ही दिशा बैठक का आयोजन करें और योजनाओं की पूरी जानकारी दे। बताया गया कि एक महीने के बाद पुनः दिशा की बैठक आयोजित की जाएगी और यदि उस बैठक में संबंधित विभागों से पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो अधिकारी को दंडित किया जाएगा। उन्होंने हर घर जल योजना को लेकर कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन खेद की बात यह है कि गिरिडीह जिले में जिस तरह से काम हो रहा है वह असंतोषजनक है। होती है पंचायत प्रतिनिधि से लेकर हर माननीय विधायक सभी लोग आते हैं और उसके बाद ये अधिकारियों का जो व्यवहार है ये खेदजनक है, इससे अफसोस होता है। निश्चित रूप से जो स्थिति लग रही है इसलिए हम ये नहीं, इसलिए हम सब कहते हैं कि जो स्थिति बन गई है झारखंड में, एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी की ही मंशा नहीं है झारखंड में विकास, जिसके वजह से आज जो भी फंड आ रहा है इन्हीं अधिकारियों के वजह से, सरकार के गलत रवैये के वजह से वो फंड वापस चला जाता है और ये बहुत ही खेद के साथ करना पड़ता है। मैडम, राशन के मुद्दे, सब चाहते हैं कि जो राशि आ रही है भारत सरकार से उसका सदुपयोग हो, उसका पूरा उपयोग हो सके। जब और राज्य का हम समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि दूसरे साउथ के राज्य जो उसके माध्यम से लगातार ये सूचना आ रही है कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी बड़ी पैमाने पे कालाबाजारी हो रही है। उपायुक्त को भी हमने कई बार इसके लिए कहा और उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन जो कमेटी बनाते हैं उसका ही विरोधाभासी उनका रिपोर्ट आता है और सिर्फ हम ये नहीं कि डीलर PDS डीलर उसमें दोषी है, बिल्कुल एक लगता है रैकेट बना हुआ है और ये कहा गया है उपायुक्त को कि आप इसकी जांच करें और आप गंभीरता से इसकी जांच करें और निश्चित रूप से जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी जब अगले महीने जब ये बैठक करेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद भी अगर न संतुष्ट हो तो निश्चित रूप से ये भारत सरकार को हम लिखेंगे कि इसके बड़े पैमाने पर यह धांधली हो रही है, जिस भी स्तर से हो रहा है इसकी जांच सामने थे। हमने निर्देश दिया कि जो आपका क्रियाकलाप है कार्यकाल BJP सरकार द्वारा मत कीजिए, कि JMM सरकार है, इसलिए ये धीमी गति मत चलाइए, इसलिए एक मिनट टाइम दिया गया, स्पष्ट रूप से सदन को जानकारी दी। बार लाइब्रेरी में शुक्रवार को अधिवक्ता संघ के द्वारा एक समारोह का आयोजन कर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला प्रधान न्यायाधीश बीना मिश्रा, गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू, जमा विधायक केदार हाजरा, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, SP अमित रेणु,
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय के अलावे कई गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ को एक एम्बुलेंस सौंपा गया। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। कोविड काल में लोगों ने महसूस किया कि एम्बुलेंस के अभाव में कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, जिसे देखते हुए संसद निधि से गिरिडीह अधिवक्ता संघ को एक एम्बुलेंस मानव सेवा के लिए दिया है। वहीं अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कोविड काल में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। वहीं एम्बुलेंस के लिए लोगों ने मुंह मांगा रकम भी दिया था, जिसे देखते हुए उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री से एम्बुलेंस की मांग की थी, जिसे उन्होंने देने का काम किया है और वह पूरी निष्ठा के साथ इसका सदुपयोग करेंगे। मौके पर अधिवक्ता संघ के उपाध्याय बाल गोविंद साहू, सचिव प्रशासन दशरथ प्रसाद, सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार, सचिव पुस्तकालय सुरेंद्र कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और कोविड महामारी के समय हर एक व्यक्ति इस चीज को अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं दर्शाया है। सुदूर गांव हो या शहर, चाहे वो भोजन पहुंचाने की बात हो, राशन की बात हो या अन्य मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, जो भी सक्षम रहे अपने अपने स्तर से लोगों को सेवा करने का काम किया। और इसी कड़ी में जब बाल एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से ये जानकारी ये उन्होंने बताया कि एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है बिना किसी विलंब के, हमें लगा कि इससे और नेक काम कुछ हो नहीं सकता। अगर किसी एक व्यक्ति का अगर जान बचाने में ये एम्बुलेंस काम आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी जगह के लिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर दिया गया, जो स्थानीय सांसद विकास निधि से जो फंड मिलता है उसके द्वारा, और बहुत ही अच्छे ढंग से हम ये आप सभी से कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक जगह पे हम सभी उपस्थित हैं। आज़ादी के पहले का ये गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन 1903 का, और इस ऐतिहासिक जगह पे उपस्थित होकर खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, छोटा सा एक सेवा देने के लिए उसके लिए भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। केंद्रीय राज शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने अपने सांसद मत से एक एम्बुलेंस जिला अधिवक्ता संघ को सौंपा है, गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ को, और उसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में अन्नपूर्णा देवी जी, गिरिडीह के विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू, जमुआ विधायक श्री केदार हाजरा, हमारे प्रधान जिला जज मैडम, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और तमाम गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे। तो उनकी मौजूदगी में ये चाबी, एम्बुलेंस की चाबी हम लोगों को सौंपी गई है। ये जो एम्बुलेंस हम लोगों को आज दिया गया है, ये जितने हमारे एडवोकेट्स हैं या एडवोकेट्स क्लर्क्स हैं या जो जुडिशियल ऑफिसर्स यहाँ गिरिडीह में पोस्टेड हैं या जो कोर्ट के स्टाफ हैं, उन लोगों को हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे। उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल जो डीजल का जो खर्च होगा वो उन लोगों को देना होगा। और गिरिडीह की जनता को जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे मार्केट में जो एम्बुलेंस का रेट है उससे कम सब्सिडाइज रेट में हम लोग एम्बुलेंस की सेवा अधिवक्ता संघ की ओर से प्रोवाइड। चंबा थाना के नए थाना प्रभारी के रूप में मुकेश दयाल सिंह ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया। मौके पर चंबा थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों और गण्यमान्य लोगों ने नए थाना प्रभारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने कहा कि चंबा थाना क्षेत्र में अवैध कोयले की ढुलाई, अवैध बालू खनन के अलावा अन्य कई अवैध कार्यों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अवैध कार्य करने वालों को बक्से नहीं जाएंगे, सभी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पचम्बा के प्रबुद्ध लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति व अपराध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कोशिश होगी। क्षेत्र में जनता व पुलिस के बीच समन्वय बनाकर शांति स्थापित करना इनका पहला काम रहेगा।
भिंगाबाद के नए थाना प्रभारी के रूप में शशि सिंह ने शुक्रवार को अपना योगदान दिया। थाना के पदाधिकारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने थाना प्रभारी का स्वागत किया। मौके पर इलाके के कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। बताया गया कि एक युवा थाना प्रभारी के आने से लोगों को उम्मीद है कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा, साथ ही भ्रष्टाचार से लोगों को निजात मिलेगी, वही बिचौलियों की कमर भी टूटेगी। थाना प्रभारी ने भी अपराध मुक्त भिंगाबाद बनाने का संदेश लोगों को दिया। भगवान भास्कर की आराधना का चार दिवसीय महापर्व छठ अर्घाघाट समेत पूरे गिरिडीह में नहाय खाय के साथ शुक्रवार से शुरू हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रथम दिन पूरे गिरिडीह जिले में व्रतियों ने स्नान एवं सूर्य उपासना के साथ नहाय खाय की रस्म पूरी की। नहाय खाय के दौरान अरवा चावल का भात, चने और कद्दू की दाल, कद्दू की सब्जी का भोग लगाया गया व इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया गया। सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर शनिवार को निर्जला उपवास रखकर खरना किया जाएगा। खरना में दूध, अरवा चावल व गुड़ से बनी खीर एवं रोटी का भोग लगाया जाएगा। खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा, जो कि 30 अक्टूबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और 31 अक्टूबर को उदयमान सूर्य को अर्ध देने के बाद पारण के साथ पूरा होगा। चावल हो गया सब्जी। आस्था का महापर्व छठ पर्व आज से 4 दिनों के लिए वो स्टार्ट हो गया है। आज नहाय खाय से शुरुआत हुआ, कल लोहंडा है, परसों पहला अर्घ है और चौथा दिन पारण के साथ वो समाप्त हो गया है। आज से कद्दू भात शुरू हो गया है। आज छठ का बहुत महत्व है। आज से सब नहा खाने का बहुत अच्छा पर्व है। आज से शुरू हुआ है, उसको अच्छा से खरना कल खरना है और परसों पहला अर्घ है, दूसरा अर्घ पारण सोमवार को है। इसलिए छठ का पर्व का बहुत महत्व है। सब मन से ध्यान देकर करें, छठ माँ सबको सब कंप्लीट करेंगे। अद्भुत आकर्षक अलौकिक तौर जितने भी अलंकार और उपमाएं होगी शायद यह कम पड़ जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधनवार छठ घाट की। गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड स्थित राजा छठ घाट में महापर्व छठ को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। पूरे गिरिडीह जिले में यह छठ घाट अपनी अलौकिक व आकर्षक सजावटों के लिए जाना जाता है। इस वर्ष यहाँ पर भव्य व खूबसूरत सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा नाव और जुरासिक पार्क भी बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ गिरिडीह जिला और राज्य भर के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ के सजावट को देखने के लिए आते हैं। बताते हैं कि एक श्रद्धालु को 17 वर्ष पूर्व स्वप्न में घाट में सूर्य मंदिर बनाने का संदेश मिला था, लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण वह मंदिर नहीं बना सका। फिर जब उन्हें स्वप्न में घाट में एक ईंट रखकर व्यवसाय चलाने का हुक्म हुआ तो उन्होंने वैसा ही किया। बताया गया कि मानो उसके व्यापार में पर लग गए और उसकी सुख समृद्धि और सम्मान में भी वृद्धि हुई।
इसके बाद उन्होंने वर्ष 2012 में सूर्य मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया था। इसका निर्माण कार्य आखिरी चरम में है। राजघाट में महापर्व छठ लगभग 200 साल से हो रहा है। बिहार के सीहोर के राजा मोख नारायण देव ने यहाँ छठ पूजा प्रारंभ की थी। उन दिनों मुगल शासक औरंगजेब के निर्देश पर उसके दो कारीदी बिहार के सीहोर में रंगदारी वसूली के लिए आते थे। औरंगजेब के सिपाहियों की यातनाओं से तंग आकर राजा मोख नारायण दरबारियों के साथ राजधनवार पहुंचे थे। राजधनवार में ही उन्होंने किला बनवाया और क्षेत्र के विकास में काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने राजा नदी पर ही छठ व्रत प्रारंभ किया। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। अंग्रेजी हुकूमत में वह जमींदार बने तो छठ पूजा को और ख्याति मिली। देश की आजादी के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो कुछ वर्षों तक आयोजन में कुछ कमी आई, लेकिन 90 के दशक से राजघाट में छठ महोत्सव जन सहयोग से व्यापक रूप से प्रारंभ हुआ, जो अब ऊंचाइयों पर है। कुल मिलाकर राजधनवार का छठ आज सिर्फ झारखंड प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना एक खास स्थान रखता है। उद्घाटन से पहले ही तेलोडी के गादी में 12 लाख रुपए की राशि से बनी कृषि भवन में दरारें पड़ने लगी है। शुक्रवार को इस भवन का जायजा लिया गया। बताया गया कि तेलोडी पंचायत के गादी में रूर्बन मिशन के तहत बने कृषि सेंटर एवं फार्म सेंटर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होने के कारण उद्घाटन होने से पहले ही दीवार एवं फर्श फटकर दरार पड़ने लगी है। आपको बता दें कि यह कृषि भवन 12,800 रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुकी है। हैरत की बात तो यह है कि इस बिल्डिंग का अब तक ना तो शिलान्यास किया गया और ना ही उद्घाटन किया गया। यह बिल्डिंग अभी से ही दम तोड़ने लगी है। इसकी जानकारी स्थानीय मुखिया सबीर आलम से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि संवेदक ने मनमाने तरीके से काम को लीपापोती कर भवन का निर्माण करा दिया है। इस भवन से संबंधित संवेदक या किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा इसकी जानकारी मुखिया को नहीं दी गई है, ना ही यह भवन पंचायत मुखिया को हैंडओवर किया गया है। इधर ग्रामीणों ने कहा कि इस योजना की राशि का बंदरबाट कर खोखला व कमजोर भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन की जांच कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर उसी स्थान में 12,800 रुपए की राशि से कृषि फार्म के तहत मुर्गी पालन सेट, बत्तख पालन सेट एवं कुआ का भी निर्माण कराया जाना था, जो सिर्फ मुर्गी सेट का निर्माण कर संवेदक ने शायद कागज पर ही योजना की खाना पूर्ति कर दी, जिसके बाद अभी तक बत्तख पालन सेट एवं कुआ का निर्माण नहीं कराया गया है। पंचायत तेलोडी में दो योजना का हुआ था, जिसमें कृषि का ट्रेनिंग सेंटर और बत्तख का पालन का इसमें बनाया गया था फॉर्म। तो दोनों में अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, संवेदक से फ़ोन लगाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हैंडओवर कर चुके हैं, जबकि इसकी जानकारी एज ए मुखिया हमको नहीं मिला है हैंडओवर की। हम लोग तो सोच रहे थे कि निर्माण का कार्य चल ही रहा है, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल रहे थे। अभी जैसे सुबह पता चला, आके देख रहे हैं तो पूरा ज़मीन क्रैक कर गया है फर्श। इसे पता चलता है कि गुणवत्ता में जो है सो काफ़ी अनियमितता बरती गई है, और इसका हम वरीय पदाधिकारी से ये आग्रह करेंगे कि आकर के स्थल पर जांच करके जो है, अगर संवेदक ने जो अनियमितता की है उस पर जो है सो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और इसको सुधार करते हुए पुनः जो है सो निर्माण जो भी नुकसान हुआ है उसको निर्माण करके और पंचायत को हैंडओवर करने का काम करें। इसका शिलान्यास भी नहीं किया गया, ना ही उद्घाटन किया गया। इसकी ना इसी हमको तो अभी तक जो भी जानकारी था, जिससे की वजह से कि काम चल रहा था, तो अभी तक ना शिलान्यास किया गया है, ना ही किसी को हैंडओवर, पंचायत को चूँकि हैंडओवर करना था, इस पंचायत का जहाँ पे बना है वहाँ पे करना था, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। ठेकेदार ने अभी तक कार्य पूर्ण किया या नहीं किया इसकी कोई जानकारी नहीं दी। शहर के सीहोडी पटेल नगर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में पूजा आराधना के बाद गुरुवार रात भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान कायस्थ समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा स्थल पर पूजा को लेकर विशेष पूजा व्यवस्था की गई थी, वही साज सज्जा भी किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार और बाहर से
आए कलाकारों के द्वारा संगीत, नृत्य और चुटकुले प्रस्तुत किए गए। देर रात तक लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मौके पर पूजा कमेटी के सचिव कपिल सिन्हा, अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा, धीरज कुमार सिन्हा, हृदय कुमार सिन्हा, प्रदीप दराज सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चित्रगुप्त हाँ बहुत महान, चित्रगुप्त हाँ बहुत महान। संस्कार भरल पुत्र छतिमानस पुत्र समान, चित्रगुप्त जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कामकाजी बैठक शुक्रवार को नया परिषदन भवन में संपन्न हुई। बैठक में जन आक्रोश प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। असल में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार संपूर्ण राज्य में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। इसी को लेकर नया परिषदन भवन ने जन आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष मांडू के विधायक जयप्रकाश पटेल, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, जमुआ विधायक केदार हाजरा आदि की उपस्थिति एवं जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में एक कामकाजी बैठक की गई। बैठक के माध्यम से जिले के सभी 34 मंडल के मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि आगामी 7 से 12 नवम्बर तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में जन आक्रोश प्रदर्शन आहूत की जाएगी। उसके बाद जिला मुख्यालय में गिरिडीह के सभी 34 मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा जन आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यहां आवश्यक दिशा निर्देश सभी मंडल अध्यक्ष को दिया गया। इस बैठक के दौरान कांग्रेस नेता नागेश्वर दास अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए। इस कामकाजी बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहब आदि, गांधी के पूर्व विधायक लक्ष्मण सोनकर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, दिनेश यादव, प्रकाश सेठ, प्रदीप साहू, रामप्रसाद यादव, सिकंदर हेम्ब्रम, सदानंद राम, यदुनंदन पाठक, मुकेश जालान, मनोज मौर्या, संत कुमार लल्लू, दिलीप वर्मा, रंजीत राय, छोटू खान, ओम प्रकाश मंडल, राजेश जायसवाल आदि कार्यकर्तागण उपस्थित थे। पचम्बा के समीप कोडरमा मधुपुर रेल लाइन में बन खज्जो निवासी मोहम्मद तबारक का शव मिलने से मची सनसनी। ट्रेन से कटने से हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। गिरिडीह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक नगर भवन में हुई संपन्न। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी हुए बैठक में शामिल। विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। जिला अधिवक्ता संघ ने कार्यक्रम आयोजित कर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किया स्वागत। अन्नपूर्णा देवी ने अपने मत से संघ को दिया एक एम्बुलेंस। अधिवक्ता संघ ने जताया आभार। पचम्बा और बेंगाबाद से बदले गए थाना प्रभारी। पचम्बा में मुकेश दयाल सिंह तो बेंगाबाद में शशि सिंह बनाए गए नए थाना प्रभारी। दोनों प्रभारियों का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। और नहाए खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। पहले दिन व्रतियों ने किया नहाए खाए अनुष्ठान। व्रतियों के घरों में पहुंचे श्रद्धालु, ग्रहण किया प्रसाद।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।